हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं दो माइक के बारे में, जो कि आज ही मैंने दोनों माइक परचेस किया है, जो कि हर साउंड वाले भैया के पास ये माइक मौजूद रहता है, दोनों माइक, ठीक ना, जो कि हम लोग के चाटी और ढोलक के बेस में जो कि यूज़ होता है दोनों माइक, ठीक ना, जो कि काफ़ी इस माइक के अंदर, माइक्रोफोन के अंदर बदलाव आया है, जो कि आज मैं सारा डिटेल इस माइक के अंदर बात करने वाला हूँ, क्या क्या अब की बार चेंज हो गया है, प्राइस के बारे में भी वो भी चेंज हुआ है, जो कि आज सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो पहले मैं बीटा माइक के तरफ से बात करने वाला हूँ, जो कि ये ढोलक के बेस में यूज होता है, जो कि काफ़ी कम प्राइस में ये हम लोग के ढोलक के बेस में अच्छा चलता है, ठीक ना, क्योंकि कम प्राइस में, लेकिन अब की बार प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जो कि बढ़ गया है, जो कि आज सारा प्राइस के बारे में और सारा डिटेल बताने वाले हैं, ठीक ना। और कल लाइव प्रोग्राम में हम ये सारा दोनों माइक्रोफोन का हम बताने वीडियो में दिखाने वाले हैं कैसा यूज होता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बीटा 58A, जो कि आप लोग माइक स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, कितना वायर है, कितना प्राइस है, आज इसका सारा बताने वाला है, ठीक ना, कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, सबसे पहले इसमें एक माइक है, ठीक ना फ्रेंड्स, माइक्रोफोन, जो कि आप लोग को काफ़ी बदलाव आया है इस माइक्रोफोन में, ठीक ना। पहले का माइक तो पूरा भारी रहता था, लेकिन अब की बार पूरा हल्का दे दिया है, ठीक ना। एक ऑटो क्या बोलते हैं स्विच है ऑन ऑफ का, ठीक ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा 58A, जो कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक ना, जो कि काफ़ी बदलाव आया है। इसका वायर में भी कुछ बदलाव आया है, ठीक ना, जो कि ये वायर चल नहीं सकता है प्रोग्राम में, ठीक ना, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में आवाज़ आती रहता है इस माइक के वायर के अंदर, तो इसी कारण माइक अगर लेंगे तो सिर्फ माइक और वायर दूसरा लेना होगा, ठीक ना, क्योंकि ये वायर चल नहीं सकता प्रोग्राम में, ठीक ना, क्योंकि ये वायर इतना आवाज़ करेगा, आप लोग प्रोग्राम में अगर गेन थोड़ा आवाज़ आगे बढ़ाएंगे तो ये चल नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे, और माइक के अंदर एक कवर दिया हुआ फ्रेंड, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि बीटा की तरफ से मिल जाता है आप लोग को, ठीक ना। तो माइक देख लिए फ्रेंड्स, आप लोग को एक सॉकेट मिल जाता है, स्टैंड सॉकेट, जो कि माइक के पिन में लगता है, आप लोग को सॉकेट लगा के दिखा सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है और कम रेंज में भी ये मिलता है, ठीक ना, और काफ़ी बदलाव भी आया है इसके अंदर प्राइस के मामले में, ठीक ना, क्योंकि जब हम एक साल के पहले का प्राइस बताए तो आप लोग को 250 से 300 के आसपास मिल जाता था, ठीक ना, लेकिन अब की बार ये 400 ले लिया फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी चेंज हुआ है और काफ़ी टिकाऊ भी है और चलता भी है, क्योंकि एक साल से हम एक और चला रहे हैं, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और अभी भी लिए हैं न्यू परचेज में, ठीक ना, आज ही लिए हैं, जो कि आप लोग को सबसे पहले सोचे कि एक वीडियो बना दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को बीटा वाला आप लोग देख लिए, अब बात करते हैं, ठीक है, आहूजा के तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि हर डीजे वाले भाई के पास चाटी में चलता है प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम में, ठीक ना, आप लोग को दिख रहा होगा मॉडल नंबर, काफ़ी अच्छा से दिख रहा होगा, एडियो 65XLR, ठीक है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले 5 मीटर का आप लोग को वायर मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी है, लेकिन पहले 6 मीटर का मिलता था, ठीक ना, जो कि अब काफ़ी पतला दे दिया है वायर, जो कि ये प्रोग्राम में चलता है, लेकिन बट इतना लंबा नहीं है, जो कि हम लोग आगे प्रोग्राम में कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में, ठीक ना। तो वायर चलेगा ये सब गीत गाने में, ठीक ना, काफ़ी अच्छा है, आवाज़ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वायर आप लोग को मिल गया हैवी है, बट लेकिन उतना हैवी नहीं है जितना पहले मिलता था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका देखते हैं, ये माइक्रोफोन में भी चेंजिंग किया है, अगर पहले की माइक्रोफोन के बारे में बात करें तो काफ़ी भारी था, लेकिन अब की बार ये हल्का हो चुका है, ठीक ना, आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी चेंज आया है इस माइक के, ठीक है, देख लिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइस, ऑनलाइन प्राइजेज आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन प्राइज में आप लोग को 995 रुपया पड़ सकता है, ठीक ना, लेकिन हम इसको लिए हैं 800 रुपया में, ठीक है, और ये बीटा को लिए हम लोग, बीटा लिए हैं आप 400 में, 800 1200 रुपया पड़ा है, ठीक ना, जो कि आप लोग ढोलक के लिए काफ़ी अच्छे कम प्राइस में आप लोग ढोलक में यूज कर सकते हैं, ये वाला बेस में और ये चाटी में, जो कि टन टन आवाज़ करता है, ठीक ना, आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अनबॉक्सिंग हो चुका है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी बदलाव आया है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक ना, और अगर अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करके एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसी तरह साउंड के रिलेटेड इस चैनल पर आते रहता है वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।